राम राम सभी भाइयों और बहनों को, जय जवान जय किसान। और जो भी आज घटना हुई है हिसार में बहुत ही निंदनीय है। मेरे किसान भाइयों के ऊपर पुलिस वाले ने लाठी चार्ज कराया है और इन सब के जिम्मेदार मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर से एक ही अनुरोध है कि आप सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दें और मेरी जनता के बीच में शांति प्रिय ढंग से जो जनता आरामदायक बैठी है उसके बीच में आप भड़काने का काम ना करें। कहीं भी अपने कार्यक्रम अगर आपने करने हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करो, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे करो, अपने ऑफिस में बैठ के करो। क्योंकि आज हमारे देश के बीच में महामारी इतनी फैल चुकी है कि हर इंसान इस बीमारी तक ग्रस्त हो रहा है। और हम आपसे एक ही अनुरोध करा हाँ कि आप ऐसा कार्य ना करो कि मेरे किसान भाइयों ने लगड़ना पड़े हमारे घरांत है और आपका पूर्ण जोर विरोध करना पड़े। तो इसलिए आप जो भी कार्य करो हो, जैसा भी आपने करना है, उद्घाटन वगैरह जैसे आज करना आए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम तय करो अपना ऑफिस में। और रही बात आज जो हिसार में घटना हुई है उसमें मेरे सैकड़ों किसान भाई और सामाजिक जनित कल्याण समिति की प्रदेश अध्यक्ष बहन मनीषा विश्नोई, सामाजिक जनित कल्याण समिति के प्रवक्ता भाई अमित बुरा खेड़ी और बहुत से किसान भाइयों ने जितने ने भी चोट आई है। हमारी बहन मनीषा विश्नोई के पैर में फ्रैक्चर होया है और बहुत से किसान भाई घायल हुए हैं और जितने भी और घायल होने के बाद भी उन भाइयों की थाना में ले जाया गया है, पकड़ा गया है। तो एक के आपसे अनुरोध है कि मेरे जितने किसान भाइयों थी आपने पकड़ा है सब की रिया करो। अगर रिया ना करा मारी ना मानी तो हिसार के सारे टोल जल्द से जल्द बंद होंगे और हिसारे के नहीं पूरे हरियाणा के टोल जल्द से जल्द बंद कर दिए जाओगे अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो। और इन सब का जो भी आज होया है सबका जिम्मेदार मनोहर लाल खट्टर है और पुलिस प्रशासन है। मेरी आपसे यह विनती है आरामदारित है, जो भी आप कार्य करो सुचारू रूप से अपने ऑफिस में बैठ के करो मनोहर लाल जी, यह रिक्वेस्ट है आपसे लास्ट। और रही बात मेरे किसान भाइयों की, तो इस महामारी में हमें अपना धरना सुचारू रूप से बहुत जनसंख्या कम करके टोला पे चला रहे थे, आगे भी ऐसे चलाते रहे वहां इस महामारी के नियम का पालन कर रहे हैं। आप तो एक अपील है शांति ना भंग करो, ऐसा ना हो कि हमें अपना आंदोलन तेज करना पड़ जा और फिर आप मुसीबत में आ जाओ। यह आपकी हमारी चेतावनी है कि अपने जो भी कार्य करो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करो और मेरे किसान भाइयों को जल्द से जल्द रिहा करो। जय जवान जय किसान।